गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वही मैं उठ गई हूँ सुबह और भैया एक और ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो आज मौसम बारिश हो रही है, बारिश ठंड हो रही है, ठंड इतनी बारिश किसने बताई हुई है। बारिश हो रही है और सवा सात हो रहे हैं, ऐसी ठंड हो रही है कि बस पूछो ही मत आज। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, नाश्ता वाश्ता बना लूँ, नहा धो लूँ, तब बात करती हूँ आपसे। क्या हो रहा है? ना मगति करा रोटी बन रही है। सुबह सुबह हो गया दिमाग खराब? कैसे बोल रहे हैं आप ही बताओगे हमें क्या दिखा क्या नहीं है। वैसे मैं कभी आप पे आ जाऊं, कभी फिर एकदम तू पे आ जाऊं। डर है ना? डर ये डर कहते ही थे। मैं बहुत दिन से समझ नहीं पा रहा था क्या चीज है, आज पता लगा डर है। पता लग गया ना? तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। चलो मिलते हैं आपसे शाम को, टाटा बाय बाय। ये देखो रजाई में से निकला जा रहा है। वेल मछली की तरह डॉल्फिन हो तुम, डॉल्फिन। चलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं घर और ना स्टेयर्स पे चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ जाता है। तो भैया आज का दिन भी ऐसा रहा, बड़ा हेक्टिक सा। सुबह तो बारिश हो रखी थी, ठंडी हवा सी थी, फिर धूप निकल आई बहुत तेज, मतलब मौसम ठीक ठाक हो गया था। यार ये मेरे ना माथे की टैनिंग नहीं जा रही है, पता नहीं कैसे जाएगी, कहाँ से हो गई। मैं काला काला हो रखा है ना इतना माथा, करती हूँ आज इसका कुछ जुगाड़, कोई घरेलू उपाय ही करना पड़ेगा इंस्टेंट। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स कर लेते हैं तैयारी खाने पीने की और प्लस जो घरेलू उपाय मैं करने जा रही थी। तो देखो कल मैंने बताया था ना आपको, कल मैंने आलू उबाले थे, तो आज मैं बनाऊंगी आलू मटर एंड टमाटर, आलू मटर और टमाटर। चलो थोड़ा सा करते हैं घरेलू उपाय भी, दिखाती हूँ मैं आपको। पहले मैं वो कर लेती हूँ जो घरेलू मुझे करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो देखो फ्रेंड्स ये मैंने भून लिया है इसको, हल्दी को, आधा चम्मच हल्दी थी ये, इसको मैंने भून लिया है। और इतनी देर से बोले जा रही हूँ, सारी वीडियो बन गई और वीडियो ऑन नहीं की, शिट यार। तो देखो ये मैंने पूरी भून ली है, आधा चम्मच थी, ठीक है? जो लोग बाहर घूमते हैं धूप वगैरह में निकलने का काम होता है उनका, उन लोगों के लिए ज़्यादा है ये इंस्टेंट टैन रिमूविंग घरेलू उपाय है ये। ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट इसमें चाहिए नहीं, हल्दी चाहिए, शहद, दूध और कॉफ़ी, ठीक है जी? तो ये हमारा हो गया है, ठीक। हल्दी वैसे भी स्किन के लिए ग्लो लाने के लिए अच्छा होता है, अच्छा बताते हैं हल्दी को। ये मैंने आधे से भी आधा, मतलब बिल्कुल ज़रा सी जो आपके फेस पे हो जाए, क्योंकि अभी इसमें और भी चीज़ें मिलनी हैं। तो मैंने ये एक मैंने ले लिया कॉफ़ी का पाउच, इधर ये मेरा शहद है, हनी और दूध। तो मैं दिखाती हूँ आपको, है ना? ये शहद हो गया, इसमें थोड़ा सा दूध। आप मैं तो खैर हमारे यहाँ तो थैली वाला ही आता है, तो मैं तो थैली वाला ही यूज़ कर रही हूँ। एक चम्मच, एक चम्मच के आधा चम्मच जरा सा दूध।
मैं इसको मिला देती हूँ। तो ये बना लिया है मैंने, तो ये कुछ ऐसा बना है, ये कुछ ऐसा बना है, ठीक है। चलो लगाते हैं इसको। भाई इसको लगाने से पहले मैं बिफोर और आफ्टर का फ़ोटो भी लेती हूँ, जैसे कि कुछ भी चीज़ यूज़ करती हूँ तो अब पहले मैं फ़ोटो लूँगी, फ़ोटो लेके मैं दोनों लगाऊँगी, देखना आप कि सच में फ़र्क है नहीं है। तो चलिए लगाते हैं इसको, तो चलिए करते हैं शुरू कारस्तानी। चारकोल की तरह लग रहा है, मेन तो माथा है मेरा। तो भाई लोगों मैं बन गई हूँ डागू। तो चलो इसको लगाते हैं, और लगाने के कम से कम 20 मिनट तक आपको ये रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं। वैसे तो घरेलू चीज़ों के अच्छे ही होते हैं रिजल्ट, बट फिर भी टैनिंग एरिया तो मेरा बेसिकली ये है, तो अगर ये काम करा तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी देखते हैं। कहते हैं तो यही है कि इंस्टेंट, लेकिन घरेलू चीज़ें इंस्टेंट कभी असर नहीं करती हैं, बट फिर भी लेट्स ट्राई। तो चलिए मिलते हैं आपसे 20 सेकंड्स बाद, इतने में कर लेती हूँ, 20 सेकंड्स नहीं 20 मिनट्स बाद, इतने में कर लेती हूँ अपने खाने की तैयारी। ब्यूटी सैलून घर में ही खुलवा रखा है। तो तुम पहले मेरे पे एक्सपेरिमेंट करते हो? नहीं, मैंने खुद करते हो, लेकिन इस बार मैंने पहले कर लिया। कर लिया? कैसे कर लिया? वो कर लिया, मन का घरेलू चीज है, कोई ऐसे से नुकसान देगी नहीं। अच्छा हाँ, नुकसान वाली चीज मेरे पे होंगी सारी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, आपने मुंह से ही कहा था। मैंने ये कहा कि जो घरेलू चीज है वो नुकसान नहीं देती, तो इसका मतलब यही है ना। क्या
कि नुकसान वाली चीज पहले मेरे पे एक्सपेरिमेंट होती है। कैसा लग रहा लगा? अब पता नहीं होता तुम्हें लग रहा होगा। बुंडे लग रहे हो, बुंडे बुंडे बुंडी लगे जैसे बोलते हैं तुम्हारे इधर, बुंडी लगे, बुंडा लगे। ऐसे क्यों कर रहे हो, चुड़ जाएगी ऐसे स्किन। डरा मुझे नहीं डर लग रहा, किट्टू डर जाता अब तक। एक बार याद है ब्लीच लगा के डरा दिया था उसे। वैसे छोटा सही था जब तक। चलो देखते हैं तुम्हारा भी बिफोर आफ्टर लिया है मैंने। अब आफ्टर तो अभी होगा। हाँ मतलब वही बिफोर लिया। टाइम हो गया अभी तो, 7-7 हुए हैं तो 7 7 20 तक लगा के रखना। अच्छा अभी है 10 मिनट है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ ले आए ले ले और वो नहीं लेने का, और बचेगी बोल रहा है एक रोटी। अंडे ये देखो फ्रेंड्स, सारी मिठाई अपने आगे रख के बैठे हैं। खाएगा तो तू ही दिखा मुझे रहा है। सही कह रहे हो, मेरी फेवरेट है कलाकंद। कलाकंद केसर वाली आज तो है। खा ले, मार दिया तूने एक पीस तो। आधा था वो तुम्हारा खाया हुआ। खा खू का कह रहा आधा। आ जाओ गाइस खा लो, मेरे फ्रेंड्स को तो तुमने ऑफर नहीं किया। खा लो भाई, हमें कौन सा, कोई दिक्कत नहीं, खा लो पी लो मजे कर लो। ये देखो ये पेल रही है, मुझे कह रही थी मैं ही खा रहा हूँ। अब कौन खा रहा है फिर? मस्त है, चलो खा लो। तो फ्रेंड्स हो गया है हमारा खाना पीना सब काम ख़त्म, और अब मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।